अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर में पूछा गया है, मिलान करने के लिए पूछा गया कि D1 का मान क्या है, D0 का या D1 का, D2 का, D3 का, जो ड्राइंग बोर्ड है उस ड्राइंग बोर्ड का साइज के बारे में पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि D0 का 1500 × 1000 × 25 इस प्रकार से था D0 का। तो ऑप्शन पहले ही से पकड़ लो कि 1500 × 1000 × 25 किसमें है। तो देखो 1500, 1000, 25 ये बी नंबर, दूसरा नंबर है पहले का, दूसरा नंबर ऑप्शन किसमें है, इसमें ए है, इसमें पहले का एक है, इसमें पहले का चौथा है, पहले का ये और दूसरा नंबर, मतलब ऑप्शन ये सही है, आगे देखने जरूरत नहीं है। जब पहले ही हमारा सही मिल गया है तो आगे पढ़ने जरूरत नहीं है, तुरंत टिक लगाओ आगे बढ़ो, तो ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। सी नंबर 27 नंबर क्वेश्चन नंबर, ड्राइंग शीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है, सही है। मतलब पूछा गया है कि जो ड्राइंग शीट है A0 पर जो साइज होता है, क्या वो साइज A4 साइज तक बढ़ते हुए क्रम में जाता है, मतलब सबसे कम A0 का होगा, फिर उससे कम, उससे ज़्यादा A1 का, फिर A2 का ज़्यादा होगा, तो ऐसा तो होता नहीं, वो घटते क्रम में जाता, बढ़ते क्रम में जाता नहीं है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा, बी आएगा, ये गलत, ये क्वेश्चन पूछा गया वो गलत है, बढ़ते क्रम में नहीं घटते क्रम में जाएगा ड्राइंग शीट का, ठीक है। 28 नंबर, निम्न में से ड्राइंग बोर्ड D2 का आकार क्या होता, कौन सा है। अभी ऊपर जैसे हम लोगों ने समझा था कि D1 का क्या था, D2 का क्या था, D0 का क्या था, तो उसी प्रकार से D2 का मान स्टार्टिंग किससे है, 1500, D0 का 1000, D1 का 700, D2 का 500, D3 का, तो D2 पूछा गया है, तो 700 × 500 × 15 आंसर नंबर बी ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्षैतिज रेखा तथा तिर्यक दोनों रेखाएं खींची जा सकती, मतलब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इंक्लाइन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, तीनों लाइनें और डिग्री सब बना सकते हैं, तो केवल मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बना सकते हैं हम लोग, तो उसका आंसर हो गया MD, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MD बोलते हैं, तो ये हो गया मिनी ड्राफ्टर का। क्वेश्चन नंबर 30, टी स्क्वायर से कौन सी रेखा खींची जा सकती है, सबको पता है टी स्क्वायर से कौन सी रेखा खींची जा सकती है, क्षैतिज रेखा है, केवल टी स्क्वायर का पूछा गया है, अगर टी स्क्वायर की हेल्प सेट स्क्वायर का भी यूज करेंगे टी स्क्वायर में, तब हम लोग वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, टी स्क्वायर से पूछा गया अकेले, तो कौन सी रेखा है, क्षैतिज लाइनें, क्षैतिज लाइन इसमें आ जाएगी। मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर के जो टाइप होते हैं वो तीन होते हैं, ठीक है। चित्र में प्रदर्शित पी का मान पूछा गया है, इसका मान क्या है, ये हमारे पास टी स्क्वायर है, ये स्टॉक है जिसको हेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लेड, ये हो गया ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन, ये है स्टॉक, इसको बोलते हैं स्टॉक, ए नंबर ऑप्शन, अगर स्टॉक पूछता तो ए होता, ब्लेड पूछा गया है पी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन, सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है, जो सेट स्क्वायर है त्रिभुज के जैसे होता है, तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन, मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता, मतलब मिनी ड्राफ्टर जो MD है उसके द्वारा कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इसमें देखो मिनी ड्राफ्टर स्केल काम कर सकता है, लाइनें खींच सकते हैं मिनी ड्राफ्टर के द्वारा, प्रोटेक्टर, मिनी ड्राफ्टर में चांदा भी होता है, प्रोटेक्टर डिग्री मान सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर जो क्षैतिज लाइनें बनाती है टी स्क्वायर, तो ऐसे मिनी ड्राफ्टर से भी क्षैतिज लाइन बना सकते हैं हम लोग, तो कौन सा नहीं है, कंपास, मिनी ड्राफ्टर के द्वारा हम लोग गोला नहीं बना सकते हैं, सर्कल उसमें बनाने में दिक्कत आती है, तो इसमें क्या है, कंपास, गोला, चाप मिनी ड्राफ्टर द्वारा नहीं लगा सकते, तो कंपास का काम मिनी ड्राफ्टर नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया है कि चित्र में एक्स का मान क्या है, अब यहाँ पे ये दिया गया है एक्स एरो, यहाँ दिया गया है, इसका मान पूछा गया है, ये जैसे मान लो हमारे पास इस प्रकार का ये सेट स्क्वायर है, ये दिया गया है 90, इसका मान दिया गया है 30, तो पता है 180 अंतःकोणों का मान होता है, इससे दोनों को जोड़ करके घटा देंगे
तो आंसर आ जाएगा 90 30 कितना हुआ 120, 180 से घटाया तो कितना जाएगा 60 आंसर आएगा, मतलब आंसर नंबर बी ये सही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? कठोर पेंसिल, मध्यम पेंसिल, नरम पेंसिल, इनमें से कोई नहीं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग मीडियम पेंसिल का यूज करते हैं, थोड़ा गढ़ा के चलाएंगे तो उससे हम लोग हार्ड सॉफ्ट पेंसिल का भी काम कर सकते हैं, काला ज्यादा चलेगा। थोड़ा हल्के से चलाएंगे तो हार्ड पेंसिल का भी काम करेगा, हल्का चलेगा। तो HB पेंसिल या फिर F, इन दोनों पेंसिल का हम लोग इसमें यूज करते हैं मीडियम पेंसिल में। ठीक है, तो कौन सी पेंसिल आएगी? मीडियम पेंसिल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है? सबको पता है 3 भागों में, कौन कौन सा यहाँ दिया हुआ है? कठोर, हार्ड पेंसिल, मध्यम, मीडियम पेंसिल, नर्म सॉफ्ट पेंसिल। तीनों पेंसिल के टाइप दिए गए थे ऊपर क्वेश्चन में, 3 टाइप के होते हैं, सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम। ठीक, सॉफ्ट में जितने बी वाले हैं वो सॉफ्ट में जाएंगे, जितने एच वाले हैं वो हार्ड में जाएंगे, और HB या फिर F ये मीडियम में आएंगे। अगला क्वेश्चन, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर को मिला करके कौन सी लाइन खींची जाती है? ये टी स्क्वायर था, इसके साथ हमने सेट स्क्वायर को मिलाया, टी स्क्वायर के द्वारा क्षैतिज लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे, सेट स्क्वायर को यूज करा तो हमने कौन सी लाइन बना लिया? इंक्लाइन लाइन या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन सेट स्क्वायर के द्वारा या इंक्लाइन लाइन, इन दोनों को बना सकते हैं। लेकिन पूछा क्या क्या है कि कौन सी लाइनें नहीं खींची जा सकती है? टी स्क्वायर पर सेट स्क्वायर को रख करके कौन सी लाइनें खींची जा सकती है? स्ट्रेट लाइन, खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं हम लोग, लंबवत लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ये भी खींच सकते हैं, क्षैतिज लाइन टी स्क्वायर के द्वारा ये भी खींच सकते हैं, वक्र लाइनें, वक्र लाइन होती है मतलब कोई इलिप्स बनाना, चाप लगाना, हल्का सा ऐसे झुका हुआ बेंड लाइन बनाना, तो वक्र लाइन टी स्क्वायर या सेट स्क्वायर के द्वारा हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, दिए गए चित्र में पी का मान बताना है, इसका मान कितना है? सबको पता है कि जो टी स्क्वायर है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लेड, ये लगा हुआ है स्टॉक, इसके बीच में डिग्री होता है 90 का, स्टॉक और ब्लेड के बीच में या फिर हेड और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये 90 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पेंसिल की लेड किस की बनी होती है? ग्रेफाइट की। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताना, इसका नाम क्या है? बच्चे को भी पता है, चांदा, प्रोटेक्टर, ये आंसर आ जाएगा चांदा वाला। क्वेश्चन नंबर 42, प्रोटेक्टर का प्रयोग किसकी, किसको मापने में किया जाता है? रेडियन में कोण को, मिनट में कोण को, डिग्री में कोण को, रेखीय नाप को। तो प्रोटेक्टर में डिग्री दी होती है, उस डिग्री को कोण जो बना होता है उसके रूप में हम लोग नापते हैं, तो आंसर नंबर सी, डिग्री को, डिग्री में जो कोण होते हैं उनको नापते हैं प्रोटेक्टर या चांदा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा फ्रेंच कर्व है? अब फ्रेंच कर्व बताया था, फ्रेंच लैंग्वेज जो विदेशी वाली भाषा होती है, आड़ी तिरछी, मतलब ऐसा शेप जो हम लोग नॉर्मली ना बना सके, तो फ्रेंच कर्व ऑप्शन नंबर सी ये होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है? अब कठोर पेंसिल हार्ड है, एच, जितना ज्यादा एच का नंबर होगा उतने ज्यादा हार्ड है, उतने ज्यादा कठोर है, उतनी हल्की चलेगी, तो सबसे ज्यादा एच में नंबर किसमें है? 9H, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, पूछा क्या गया है कि कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग ड्राइंग शीट जो लगाते हैं हम लोग ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, ड्राइंग शीट को लगाते हैं जिसमें पिन लगा करके सपोर्ट करते हैं, तो किसका उपयोग नहीं करते हैं? अब देखो, ड्राइंग क्लिप, जो क्लिप होती नहीं बालों में लगाते, जुड़ा उड़ा बना लेती लड़कियां, ऐसे होती है, ऐसे कलम पकड़ लेती है, तो ड्राइंग शीट हम लोग पकड़ सकते हैं ड्राइंग बोर्ड पे, ऐसे ले जाकर के इसे दबा दिया, क्लिप ये काम आएगी। ड्राइंग पिंस, पिंस जो घुसेर देते हैं, जैसे नोटिस बोर्ड पे देखा होगा पिन होती है, ठोक दिया उस पर नोटिस चस्पा हो गई कि कल छुट्टी है परसों छुट्टी है, ड्राइंग पिन हो गया। या फिर स्टेनोटेप, टेप जो होता है, टेप के द्वारा भी चिपका लेते हैं हम लोग, पेज को रोक लेते हैं, डिवाइडर इसके द्वारा नहीं रोकते हैं, डिवाइडर होता है अलग चीज, दो जो पार्ट है उनको डिवाइड या मेजरमेंट में काम में आता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट में डिवाइडर का काम करते हैं, तो डिवाइडर का यूज
ड्राइंग पेपर को सपोर्ट करने या रोकने में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना ही लिखता है, जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ज़्यादा हल्की होगी, ऑप्शन नंबर बी, जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतनी ज़्यादा गाढ़ी होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, चित्र में जो 45 डिग्री ये हो गया सेट स्क्वायर, 45 डिग्री ये हो गया सेट स्क्वायर जो हमारे पास है 45-45 का है, ये 45 का, ये 45 का, तो पूछा क्या गया है, ये 90 का हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि इसका मान बताना है, इसका एक्स का। अब ये हमें पता 45 है, टोटल 180 है, तो 180 से हम लोग 45 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 135, आंसर नंबर डी 135, 180 से 45 जाएंगे 135 आंसर आ जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर, टाइटल ब्लॉक का माप क्या है, बताया था टाइटल ब्लॉक या टाइटल बॉक्स ड्राइंग शीट के दाहिनी तरफ नीचे होता है, सबसे नीचे कोने में टाइटल बॉक्स होता है, इस प्रकार से जैसे हमारे पास ये ड्राइंग शीट है तो टाइटल बॉक्स यहाँ होता है, ये 185 होता है और ये 65, 185, तो अब इसमें पता है 65, 185 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है, ये एल हो गया, ये बी हो गया, यहाँ इसको माना हुआ है, एल मान लिया इन्होंने 65 को ही, ठीक है, कन्फ्यूज आना नहीं, हमें केवल ये याद रखना है बस 185 और ये 65, हो सकता कहो कोई 185 गुणे 65 दे दे, ये भी दे सकते हैं, क्योंकि कोई कोई क्या करते हैं जो बड़ी भुजा होती है उसको लंबाई में मान लेते हैं, तो ये भी ऑप्शन में अगर दिया है और 65 गुणे 85 नहीं दिया है, 65 गुणे 185 नहीं दिया है तो भी ये सही है, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को केवल ये चीज़ याद रखना है कि ये 185 ये 65 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे सही। अगला नंबर 49, मिनी ड्राफ्टर का स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है, बताया था जो मिनी ड्राफ्टर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे इस जगह लगा दिया जाता सीट में और ये सरिया लगी होती हैं 3-4, तो ऐसे सपोर्टिंग में रहता है यहाँ पे, तो ये जो डिग्री है ये डिग्री कितने डिग्री के दोनों ब्लेड के बीच में होता है, 90 डिग्री का समकोण, 90 डिग्री आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए चित्र में 30-60 सेट स्क्वायर में कोण जेड का मान कितना होगा, अब जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ये दिया गया है 30, ये दिया गया है 60, ये है हमें पता 90, तो टोटल जो मान होगा जेड का मान, यहाँ पे जेड का मान ये दिया गया है, ये वाला इसको पूछा गया है, ये है जेड का मान, तो ये पूछा गया ये कितना होगा, टोटल ये जो सीधी लाइन होती है वो होती है 180 की, तो इसमें हमें 30 ये पता है, इसका मान 30 है, तो 180 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आएगा 150, जो आंसर होगा वो 150 होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आएगा, बी नंबर 150। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग शीट 594 गुणे 841, अभी पिछले में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 594 गुणे 841 के जस्ट बाद नीचे का स्टेप पूछा गया है, जस्ट बाद कौन सा साइज होगा, 594 आठ सौ इकतालीस इसके बाद जस्ट कौन सा होगा, तो इसमें जो 800 था बताया था इधर वाला लंबाई में चला जाएगा, ये जो लंबाई है ये इस तरह चली जाती चौड़ाई पे, तो 420 गुणे 594 ये होगा, बताया था हमने जो इसकी लंबाई होती है वो चौड़ाई में चली जाती है, ड्राइंग शीट में और जो ड्राइंग बोर्ड है उनमें दोनों में अंतर होता है, ड्राइंग बोर्ड की जो ये जैसे 1500 गुणे 1000 गुणे 25 ये था, तो ये 1500 1000 25 इसका जो 1000 था ये 1000 अगले वाले नंबर में लंबाई में आ जाता है, ये बताया था हमने, ये ड्राइंग बोर्ड में है, ड्राइंग बोर्ड में जो चौड़ाई होती है वो अगले वाले की लंबाई में जाता है, लेकिन ड्राइंग शीट में जो लंबाई होती है वो अगले वाले की चौड़ाई में जाता है, ये याद रखना, जो लंबाई होगी वो अगले वाले की चौड़ाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे जो 594 था
याद करने जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, समझो सीधा ट्रिक। जो अगला वाला था कितना था, क्वेश्चन में दिया गया है 594, 594 गुणे 841, अब 594 है तो ये जाएगा दूसरे वाले में चौड़ाई में, तो चौड़ाई में 594 केवल इसी में और किसी में नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो आंसर नंबर बी, रटने जरूरत नहीं है। तो 52 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग व्रत बनाने के लिए किया जाता है, कंपास का प्रयोग करते हैं व्रत बनाने के लिए, बाकी ना डिवाइडर का उपयोग करेंगे, ना मिनी ड्राफ्टर का, ना फ्रेंच कर्व का, कंपास इसके द्वारा व्रत बनाते चाप लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से सबसे नर्म पेंसिल कौन सी है, जितनी ज्यादा नंबर की बी होगी, बी मतलब बोल्ड मतलब सॉफ्ट मतलब नर्म मतलब वो गाढ़ी चलेगी, जितनी ज्यादा बी होगी नंबर में उतने ज्यादा सॉफ्ट चलेगी, तो इसमें 7B सबसे ज्यादा है, ये 9H है ये सबसे हार्ड में जाएगी, ये 4B है, 4B की अपेक्षा ये 7B सबसे ज्यादा सॉफ्ट पेंसिल होगी, ये सबसे ज्यादा डार्क चलेगी। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर, दो सेट स्क्वायर की मदद से कोण बनाया जा रहा है, दो सेट स्क्वायर यहाँ लगाए हमने ये, और एक इसी के सब एक सेट स्क्वायर लगा है ये, और दूसरा सेट स्क्वायर इसी के सपोर्टिंग में ये लगा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो अब इसका डिग्री हमें पता है, इसका डिग्री निकालना है कि ये एक्स का मान कितना आएगा, ठीक है, इसका डिग्री पता था हमको सेट स्क्वायर से, दो सेट स्क्वायर होते हैं, एक होता है 45 90, एक होता है 30 60 90। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो सेट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस कंफर्म है कि सेट स्क्वायर है बस, तो अब इतना जान गए हैं कि जो ये वाला होगा ये 45 45 का होगा, बनावट से ही पता चल रहा है, इसका मान 45 है, जो ये वाला होगा इसका मान ये 30 होगा, ये यहाँ पे 60 होगा, ये इस जगह ये 90 होगा, तो जाहिर सी बात इसका मान 30 है, इसका मान 45 है, इसका भी मान यहाँ पे 45 है, ये मान 90 हो जाएगा, हमको ये 45 पता है, ये 45 पता है, ये 30 पता है, तो 45 प्लस 30 इन दोनों को पूरा जोड़ लिया ये, और इसका मान निकालना है x का, तो प्लस x कर दिया, इसको हमने किससे घटा दिया, 180 अंतःकोणों का मान होता है इससे घटा दिया, तो 45 30 कितना होगा 75, तो 180 माइनस 75 करेंगे, 180 माइनस 75 करेंगे तो आंसर आएगा 105, तो 105 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें क्या बोला गया है कि 4H 5H से 9H तक की पेंसिल होती है, अब H सीरीज चल रही है तो कौन सी पेंसिल इसमें है, हार्ड पेंसिल कठोर पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 56, पेंसिल H का क्या मतलब है, जितनी H का मतलब होता है हार्डनेस, उसकी हार्ड होती है वो पेंसिल हार्डनेस चलती इसमें। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस भाग का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है, मतलब कौन सा भाग टी स्क्वायर में नहीं होता, वर्किंग एज टी स्क्वायर में होता है, ब्लेड टी स्क्वायर में होता है, हेड जिसको स्टॉक बोलते हैं ये भी टी स्क्वायर में होता है, एबोनी नहीं होता है, एबोनी जो है वो टी स्क्वायर से अभिन्न भिन्न है, अलग एकदम, क्योंकि एबोनी में टी स्क्वायर को रख करके स्लाइड करते हैं, ये सब पार्ट वर्किंग एज, हेड जिसको स्टॉक बोलते हैं, ब्लेड ये सब तो टी स्क्वायर का ही पार्ट है, तो एबोनी अलग है, तो एबोनी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, ड्राइंग बोर्ड के बराबर, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, बताया था आप लोगों को कि सेट स्क्वायर के द्वारा 15 डिग्री का अगर कोई भी कोण हो, दुनिया का कोई भी एंगल है, अगर 15 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा तो मतलब वो सेट स्क्वायर बन जाएगा, तो निम्न में से कौन सा कोण 15 डिग्री के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें ये सभी बन रहे हैं केवल 15 का छोड़ करके, 15 के मल्टीपल में कोण होना चाहिए ना कि 15 का, 15 के मल्टीपल में कोण होना चाहिए, 15 छक्का 90 ये भी बनेगा, 15 चौको 60 ये भी बनेगा, 15 दूनी 30 ये भी बनेगा, तो तीनों बनेंगे, ठीक है
तो इस प्रकार से ये हम लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर टू हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट करने के बाद में उसके भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।